इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल फाइल को, एमएस एक्सेल में सेव किए गए फाइल को कैसे लोड करें, सेव करें, कौन सा एक्सटेंशन होगा उसमें। तो आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल में एक फाइल बनानी होगी। तो एम एस एक्सेल में ये ओपन करके रखा हूँ पहले से ही। ये हमारा सीरियल नंबर है, इसमें मैं एडिट कर देता हूँ थोड़ा। एस एम सीरियल नंबर 1 से 7 तक है, डे संडे से सैटरडे तक है ये, और टेम्परेचर कौन से डे में कितना टेम्परेचर था। और इसे सेव करना है तो इसे आप सेव कर सकते हैं। मैं इसे आपको फिर से सेव करके दिखाता हूँ, आपका सेव कर लो आप इसे। ये मैंने वीक के नाम से पहले सेव कर रख चुका हूँ, तो मैं इसका नाम यही रहने देता हूँ, वीक। ओके, यस कर दीजिए आप। ठीक है, तो हमारा ये फाइल वीक के नाम से डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। तो मैटलैब आप खोलिए फिर से। ये है हमारा वो फाइल, वीक डॉट एक्स एल एस एक्स एक्सटेंशन आपका ये है। ये आपने ये एक्सटेंशन है आपका किसका, एमएस एक्सेल का ये एक्सटेंशन है। तो इस फाइल को हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है मैटलैब में और चेक करना है क्या क्या डाटा इसमें है। ठीक है, देखते हैं तो करते हैं। तो सारा कुछ तो कमांड से ही होता है। सबसे पहले कमांड इसका होता है, आप जो बनाया है आपने फाइल, इसमें वो इसमें 3 तरह के डाटा होंगे, जैसे कि हेडर लाइन होगा, टेक्स्ट होगा, न्यूमेरिक डेटा होंगे, कॉलम वाइज रो वाइज ये सारे होंगे। तो ए का यूज किया जाता है आपका हेडर लाइन, ठीक है, और टेक्स्ट TXT, टेक्स्ट क्या जाता है, जो भी टेक्स्ट इसमें टाइप किया आपने उसके लिए, और रॉ, याद रखिएगा तीनों, रॉ का यूज किया जाता है आपका न्यूमेरिक डाटा को एसेस करने के लिए। 3 कॉलम्स हमने बनाए थे, वो आपको ये यूज करना होगा उसमें, जो भी आपने कॉलम पर डिपेंड शायद ही करता होगा। तो ए टेक्स्ट और रॉ आपको ये कमांड देने हैं, इक्वल टू आपको फाइल रीड करना है। तो उसके लिए एक अलग अलग कमांड है, उसके लिए कमांड है आपका एक्स एल एस, यानी कि आप रीड कीजिए एम एस एक्सेल फाइल। ओके, ठीक है, एक्स एल एस क्या कीजिए, रीड। अब आपको फाइल का नाम आपका पता होना चाहिए, फाइल का नाम हमारा क्या, WWE के वीक, और इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन है आपका XLSX, XLSX। ओके, इसको आपको, चूंकि ये फाइल का नाम है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इसे लिखिए ये। ओके, ठीक है, तो ये हमारा वर्क स्पेस में कुछ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ये इंटर तो मैंने प्रेस कर दिया है, ये आपका आ गया वर्क स्पेस में, ए रॉ और टेक्स्ट जो भी है वो। अब मैं चाहता हूँ कि, मैंने बताया था आपको रॉ क्या होता है, वो आपको न्यूमेरिक डाटा बताता है। तो यहाँ पर मैं RAW टाइप करता हूँ, देखिए क्या आता है आपका, जो भी डाटा इसमें था आपको, सीरियल नंबर, डे, टेम्परेचर कौन से दिन कितना था, ये आपका आ गया। अगर मैं टेक्स्ट लिखूँ तो क्या आना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट आ गया आपका इन्वर्टेड कॉमा, संडे से लेकर के मंडे तक। मैं ए लिखूँ तो सिर्फ आपका न्यूमेरिक डाटा आ जाएगा वो। ओके, तो ये हमने एमएस एक्सेल में जो भी फाइल था उसे हमने रीड किया। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, कि जैसे सीरियल नंबर है हमारा, मैं चाहता हूं कि जो सीरियल नंबर है वो हमारा रॉ डाटा में बदल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉलम है वो टोटल 7 कॉलम है और 7 रो है, सॉरी 7 रोज हैं, और कॉलम की संख्या है 3। ठीक है, पहले कॉलम में आपका सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में आपका डे है, तीसरे कॉलम में
तीसरे कॉलम में आपका टेम्परेचर है वो, ठीक है। और तो ये एरे जो मुझे बनाने हैं ताकि जो भी सेल में डाटा है वो सारे के सारे रॉ डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, ध्यान से देखिए आप, सेल सेल में जो भी डाटा है सेल टू बदलना है हमें रॉ में, ओके ठीक है। सेल टू, ओके गलत हो गया थोड़ा, सेल टू मैट, यूज सेल टू मैट। तो इसका यूज करना है किसके लिए, कन्वर्ट करने के लिए सेल डाटा को रॉ डाटा में। अब रॉ में हमें एरे एरे में लिखना है सीरियल नंबर को, सेल टू मैट, रॉ में बदलिए इसको। अब रॉ रॉ डाटा में हमारा एरे होगा, तो एरे का क्या रेंज होना चाहिए, एरे हमारा होना चाहिए, एरे हमारा होगा 7 का, 227। और पहले कॉलम में आप रखिए किसको, सीरियल नंबर को, और दूसरे कॉलम में हमें रखना वीक को, ओके ठीक है। मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ, अनएक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस और ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमने छोड़ दिया एक, ये रहा, ओके ठीक है। सीरियल नंबर आ गया आपका दूसरा, डेज, DAY, डे इक्वल टू, हमारा जो डे है वो कैरेक्टर में है, CHAR, ओके ठीक है, अभी तक तो सही है। रॉ रॉ हो गया आपका, और इसे आपको रखना है 227 दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम में, ओके गुड सही है। लास्ट बच गया हमारा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, TEMPERATU, टेम्परेचर, ओके ठीक है। टेम्परेचर हमारा जो है वो न्यूमेरिक में है, तो मुझे इसे बदलना है रॉ में। तो फिर से मैं सेल टू मैट लिखूंगा, सेल 2 MAT, रॉ में बदलना है मुझे इसे 227, कौन से कॉलम में रखना है, तीसरे कॉलम में, ओके ठीक है। तो ये सारे के सारे रॉ डाटा में बदल गए। तो अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ रॉ डाटा का, जैसे कि हिस्टोग्राम या फिर बार में मैं बार टाइप करता हूँ, और सीरियल नंबर का मैं बनाना चाहता हूँ, तो देखिए क्या होता है, ये सीरियल नंबर और टेम्परेचर का, सीरियल नंबर एंड टेम्परेचर का। तो सीरियल नंबर हमारा था 1 से 0 6, और टेम्परेचर हमारा था 35, 34, और 45, एक मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर होना चाहिए था आपका 127, इसीलिए हमारा ये 1 से 6 तक ही शो कर रहा है, ओके। चलिए देखते हैं फिर से करके, ये हमारा 2 2 कर दूं 8 तक, ओके ठीक है। डाटा हमारा हो गया 2 2 8, और बचा हमारा लास्ट में टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, डाटा हो गया, बचा क्या, सीरियल नंबर 2 2 8 हो गया। अब हमारा बार ड्रॉ करते हैं, ओके ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, पहले में हमारा टेम्परेचर है कितना,
34, दूसरे में टेम्परेचर है 33, आप मैच कर सकते हो जो फिगर वन है, और लास्ट में जो टेम्परेचर है वो 40 है हमारा, 40 हमारा टेम्परेचर है। तो ये हमने MS Excel में फाइल बनाई, उसे सेव किया .x वीक के नाम से, उसका एक्सटेंशन है XLSX, उसे हमने क्या किया, लोड किया, और इसके अंदर क्या क्या है वो हमने सारा कुछ सीखा। ओके ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो था इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा का। ओके आप प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।